नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं कार गुरु जी। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ इग्निस सिग्मा। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके 20,000 यूनिट अंडर 4 मंथ में सेल हो चुके हैं मारुति के, बिकॉज़ ये गाड़ी अच्छी है, टिकाऊ है और बजट में भी आती है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसमें सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल से लेकर अपर मॉडल तक सभी सेम हैं। बात करते हैं कार के व्हील साइज की। 15 इंच का व्हील साइज, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा व्हील साइज दिया है इस गाड़ी की, सेगमेंट की गाड़ी में 15 इंच काफ़ी अच्छा होता है। गाड़ी के बूट स्पेस की, बूट स्पेस 260 लीटर का है, काफ़ी स्पेसियस है, आपको जगह की कमी महसूस नहीं होगी। आप कहीं भी जाएंगे, अपना कैरी बैग, लगेज वगैरह सब इस बूट स्पेस में आपके आराम से कैरी हो जाएंगे। तो छोटी गाड़ी में बहुत अच्छा बूट साइज दिया है। फ्यूल टैंक की, गाड़ी का फ्यूल टैंक 32 लीटर का है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है और गाड़ी का एवरेज भी 20 से 21 के बीच में आता है। मैंने खुद गाड़ी को चलाया है, ड्राइव किया है और मैंने इसका 23 तक एवरेज लिया है और मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 गाड़ी का एवरेज जाता है। गाड़ी पेट्रोल की है इसलिए मुझे इतना एवरेज मिलता है, अगर आप डीजल की गाड़ी लेंगे तो उसमें और भी अच्छा एवरेज मिलेगा। बात करते हैं गाड़ी की चौड़ाई की। गाड़ी की चौड़ाई 1600 mm, काफ़ी अच्छी चौड़ाई है, बैठने में स्पेस है अंदर। मैंने अपनी इस गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया है। ये मेरा सिग्मा में सेगमेंट है और सिग्मा सेगमेंट की गाड़ी आपको 525 की ऑन रोड पड़ जाएगी। इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको सब कुछ मिलता है A to Z, सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। बस इस गाड़ी में थोड़ी सी कमी इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की है, जो कि थोड़ी सी कम है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, देखने में लग्जरी टाइप का इंटीरियर गाड़ी में। LCD आप लगा सकते हो, टच स्क्रीन लगा सकते हो। इग्निस सिग्मा में म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, थम्स अप। अगर म्यूजिक सिस्टम को हटा दें तो गाड़ी में उसके सेगमेंट की किसी और कार में ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो कि सिग्मा मॉडल में अवेलेबल हैं। ड्यूल एयरबैग, ABS प्लस EBD, ड्यूल पावर विंडो, सब कुछ, तमाम फीचर जो मारुति अपनी गाड़ी में डाल सकता था। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, पावर स्टीयरिंग है, बहुत ही स्मूथ काम करता है, आपको चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, आपकी हाइट के अनुसार ये एडजस्ट हो जाएगा। तो गाड़ी में जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सभी हैं। सेंट्रल लॉकिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी एक बटन से चारों आप विंडो बंद कर सकते हो या खोल सकते हो। मैनुअल AC लगा हुआ है, AC एकदम चिल, अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं AC में। मैनुअल होने का कारण आप इसको बिना AC ऑन करे हीटर चला सकते हैं, सर्दियों में अपना फ्यूल बचा सकते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने गाड़ी का AC ऑफ करके गाड़ी को हीटर मोड पे लगाया, गाड़ी में एयर जो ब्लो थी वो गर्म थी, काफ़ी अच्छी थी। कहते हैं गाड़ी की स्पेस की, गाड़ी में 5 पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 5 अगर बिग साइज के, बड़े साइज के बंदे होंगे उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए 5 फुट, 5.5 फुट के लिए कोई परेशानी नहीं है। लेग स्पेस भी काफ़ी है, सीट थोड़ी पीछे है इसी वजह से आपको दिख रहा है, लेकिन कोई भी 5.5 फुट तक का पर्सन आके गाड़ी में स्पेस की कमी महसूस नहीं करेगा, बहुत आकर्षित लगती है। जहाँ इस रेंज में ऑल्टो या कोई भी छोटी गाड़ी इस सेगमेंट की मिलती है, उससे कहीं 10 गुना बेटर और बेस्ट गाड़ी है, चलाने में भी और एक्सटीरियर में भी, इंटीरियर में भी और इंजन में भी। गाड़ी की हाइट की, गाड़ी की हाइट का राइट 159.5 सेंटीमीटर है। अपनी हाइट की वजह से गाड़ी के अंदर बैठकर आपके हेड और गाड़ी की रूफ़ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको आपके हेड के अकॉर्डिंग अच्छा स्पेस मिलता है, जिससे कि आप गाड़ी चलाने में अच्छी सुविधा रहेगी। में सेंटर लॉकिंग तो है, बट आप उसको की से ही इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप बाहर से सेंट्रल लॉकिंग लगवा सकते हैं। ओनली वन स्विच में लगाएंगे तो चारों विंडो अपने आप बंद होंगी, ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कहेगा आपके चारों विंडो में लगेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो में ही एक सेंट्रल लॉकिंग लगेगी, उसी बटन से चारों विंडो जिससे बंद होती हैं उसी से आपकी चारों ये बंद हो जाएंगी। गाड़ी में पावर विंडो दी हुई है, फ्रंट साइड, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड की विंडो पावर हैं, लेकिन रियर विंडो पावर नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ी में रियर विंडो पावर नहीं मिल सकती। इग्निस जिस सेगमेंट सिग्मा है, इस गाड़ी में फ्रंट की पावर विंडो दे दी, यही बहुत है। बाकी इस अपर लेवल में, अपर वाले मॉडल में आपको दोनों विंडो पावर, रियर फ्रंट दोनों ही पावर विंडो मिल जाएंगी। गाड़ी पीछे से बहुत आकर्षित दिखती है और गाड़ी में पीछे बैठने में कंफर्टेबल है, बूट स्पेस काफ़ी है। पांच बंदों के लिए गाड़ी बेस्ट है, लाजवाब है। गाड़ी का इंटीरियर अच्छा है, एक्सटीरियर अच्छा है। गाड़ी में ड्यूल बैग हैं, दोनों SRS कंपनी के हैं, अच्छे एयर बैग हैं। ये नहीं गाड़ी ने लोकल लगा के देती है। गाड़ी की जितनी प्राइस है उस हिसाब से दो एयरबैग अराउंड 50,000 रुपये के होते हैं, फिर भी गाड़ी की प्राइस मेंटेन करते हुए मारुति वालों ने इसकी प्राइस 525, 5,25,000 ऑन रोड मिल जाएगी। गाड़ी में बस एक छोटी सी माइनर सी जो मुझे कमी महसूस होती है, गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी, थोड़ी सी गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी ब्लो है अकॉर्डिंग टू अदर कार। मारुति ने सब कुछ दिया पर थोड़ी सी प्लास्टिक में कंजूसी कर गई। हर कंपनी को पैसा कमाना होता है, तो मारुति ने भी सोचा कि सब कुछ तो दिया है पर कहाँ से पैसा लिया जाए, तो थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी में ही कट कर दिया जाए। बाकी गाड़ी एवरेज है, बेस्ट है इस सेगमेंट में। करते हैं गाड़ी के इंजन की। गाड़ी का इंजन 1200 cc है, 84 PS की पावर के साथ, बहुत अच्छा इंजन है। ये वही इंजन है जो स्विफ्ट कार में लगाया जाता है और पावर में कोई कमी नहीं होती। हिल पे भी गाड़ी चली है मेरी और आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही रफ और टफ गाड़ी को यूज़ किया है। कार सिग्मा मॉडल सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स में मिलेगा। आपको AMT वाला सेगमेंट चाहिए उसके लिए आपको डेल्टा जन लेना पड़ेगा या फिर उससे ऊपर वाला। 4 सिलेंडर है, बेस्ट है पावर के अकॉर्डिंग और कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर की एक खास बात होती है, ये वाइब्रेट कम करता है। वाइब्रेट कम करने की वजह से इसका कैबिन बहुत साइलेंट है। कभी कभी तो मुझे ये पता नहीं चलता है मेरी गाड़ी बंद है या चालू है। मैं उसमें सेल्फ मारता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी का ऑयल, ये ऑयल चेक है, मैं गाड़ी का ऑयल चेक कर रहा हूँ। गाड़ी में दोनों ABS प्लस EBD बोथ सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं प्लस ड्यूल बैग के साथ। काफ़ी अच्छा इस सेगमेंट की गाड़ी में किसी में भी नहीं है, ना ऑल्टो में, ना वैगनार में, किसी में भी नहीं है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अभी थोड़ा सा कच्चा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा बग आपको लग रहा होगा मेरी वीडियो में, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको ये सब दिखना बंद हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कोई इस गाड़ी के बारे में कोई सवाल या जवाब या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि जेन्यून, जो कि खुद मैंने चलाई है, मेरी गाड़ी है तो मुझे ज़्यादा पता होगा, ना कि रिव्यू करने वालों को जो अदर गाड़ी पर रिव्यू करते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पर्सनली प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं दीपक कुमार कारगुरु से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं आपके लिए आगे भी अच्छी सी वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।